हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा नौवा के स्टूडेंट, तो आप लोग का जो वार्षिक परीक्षा 2023 में होने वाला है, उसके लिए मैं VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ मैथमेटिक्स यानी गणित के, और यहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √5। अगला हम लोग देखेंगे तो 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या कौन होगी, तो इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कोई नियत नहीं है, बढ़ते हुए चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुपद मानक रूप में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x − x² + 4x² + 5। अगला हम लोग देखेंगे, मानक रूप में नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बहुपद मानक रूप में है, तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो मानक रूप में हो जाएगा। मानक रूप में कैसे पता चलता है, तो पावर यहाँ पे या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। अगला हम लोग देखेंगे तो दिए गए बहुपद 3x⁻⁷ + 5x⁴ − 6x² + 5x − 7 में x² के गुणांक कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी −6। अगला है x + y + z, इनमें से किस बहुपद के लिए गुणनखंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर x³ + y³ + z³ − 3xyz। अगला बहुपद x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। अगला हम लोग देखेंगे तो बहुपद x⁵⁵ + 51 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50। अगला बिंदुओं 0, −4 कहाँ स्थित है, तो वाई एक्स के ऋणात्मक दिशा में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, बिंदु −3, −4 किस चतुर्थांश में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अगला है समीकरण 3x − 5y = 17 में x और y के गुणांक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और −5। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है, समीकरण x − 5 = −√5y का व्यापक रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूक्लिड द्वारा दी गई अभी धारणाओं की संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। अगला है, 2 दी गई बिंदुओं से, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो एक रेखा पर खड़ी किरण प्राप्त आसन कोणों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उनके बाह्य भुजाएं क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सी, एक ही रेखा में। अगला है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है, किसी त्रिभुज में अधिक कोण की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला है, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, तो हो सकता है 3 भी, 3 को तीनों जो हो सकता है न्यून कोण हो सकता है। अगला है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण 65, 85 और 140 है, तो चौथे तो कोण का माप क्या हो जाएगा, तो इन तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा लेंगे, तो आ जाएगा आपका 70 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है, चतुर्भुज के तीनों कोण का अनुपात 3:3:1 है, तथा चौथा कोण 80 डिग्री के बराबर हो, तो कोणों का माप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें जो आपको आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगला, किसी चतुर्भुज ABCD में AB = BC, CD = DA, तो चतुर्भुज इनमें से क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक पतंग, यानी कि आपका एक तरह से ये चतुर्भुज हो गया। अगला हम लोग देखेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, समचतुर्भुज का गुणनफल का विकर्ण का जो गुणनफल होता है उसका आधा होता है। अगला है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल उनकी किसी एक भुजा एवं संगत शेषफल के गुणनफल का आधा होता है। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वृत्त की 2 चाप सर्वाक्षम हो तथा संगत जीवाएं समान होते हैं। अगला है, वृत्त की किन्हीं 2 जीवाओं को केंद्र के निकट होती है, तो वह दूरस्थ से बड़ी होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो एक रूलर तथा प्रकार की मदद से इनमें से कौन संभव नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 85 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक बहुपद यहाँ पे देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा, जिनका आधार 4 सेंटीमीटर तथा समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4√15 cm². अगला, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16√3 cm².
अगला है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण रूट 32 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है घनाभ की भुजा एल बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और एच बराबर 2 सेंटीमीटर है तो कितने घन 1 सेंटीमीटर माप से प्राप्त होंगे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 64। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल है एक आयताकार कागज़ जिसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लंबाई 22 सेंटीमीटर है को लंबाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाया गया, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। अगला है एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी RH/3L। अगला है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² ठीक है। अगला है गोले का आयतन निम्न में से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4π3πr³। अगला है जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। इन आंकड़ों को किस प्रकार के आंकड़ा कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग यथा प्राप्त आंकड़े। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्हों में एक्स अक्ष और विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष पर लेकर के बनाया गया चित्र क्या कहलाएगा, तो बारंबारता बहुभुज। अगला बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़े संतत और बहुत बड़े हो। अगला चर मान 3, 5, 7, 11 का माध्य निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला हम लोग देखेंगे, चरमान 3, 4, 5 की बारंबारता क्रमशः 5, 3, 6, 3 के समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4.07। अगला है अगर चरमान x1, x2, x3, x4 हो और उसकी संगत बारंबारता क्रमशः f1, f2, f3, और f4 हो तो x से समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 + x4 f4 बाई f1 से लेकर f4 का जोड़। अगला दो सिक्कों को उछालने की संख्या 10 हो तो चिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2। अगला है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित की बारंबारता 455 है तो PE का मान क्या हो जाएगा, तो 0.455। अगला हम लोग देखेंगे, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण शीर्ष कोण का दुगुना है तो आधार के कोण का माप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो इस तरह से 50 का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।